सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वजन के बारे में बताऊंगी। वजन क्या है तथा दिनचर्या में हम वजन का कैसे उपयोग करते हैं, आइए जानते हैं वजन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में वचन का अर्थ है संख्या। संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। आइए देखते हैं वचन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। नेहा के पास एक किताब है। रिया के पास चार किताबें हैं। अब आप बताइए इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। मैं बताती हूँ इनमें क्या अंतर है। नेहा के पास एक किताब है और रिया के पास चार किताबें हैं। दोनों ही वाक्य में किताब के संख्या के बारे में पता चल रहा है, अर्थात शब्द के किसी रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले तो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब कोई वस्तु या चीज तथा प्राणी एक संख्या तक हो उसे एक वचन कहते हैं। इसे इंग्लिश में सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, जैसे लड़की, तितली, मछली, किताब। जब कोई वस्तु या चीज तथा प्राणी एक संख्या से अधिक हो उसे बहुवचन कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म कहते हैं, जैसे लड़कियां, तितलियां, मछलियां, किताबें। अब कुछ एक वचन शब्द के बहुवचन रूप के उदाहरण देखते हैं। लड़का, लड़के। पत्ता, पत्ते। सड़क, सड़के। सहेली, सहेलियां। मधुमक्खी, मधुमक्खियां। रानी, रानियां। गाय, गाय। घड़ा, घरे। जाली, जालियां। मिठाई, मिठाइयां। घोड़ा, घोड़े। दवाई, दवाइयां। गेंद, गेंदे। अब कुछ विशेष तथ्य। वचन बदलते समय बड़ी ई तथा बड़ा ऊ की मात्राएं बदलकर छोटी ई तथा छोटा ऊ हो जाती है, जैसे नदी, नदिया। लड़ाई, लड़ाइया। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दल, भीड़, घी, सोना, वर्षा। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, समाचार, हस्ताक्षर, बाल। जहाँ आदर प्रकट करना हो वहाँ एकवचन शब्द भी बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे साहब, पिताजी, डॉक्टर, आप, प्रधानमंत्री, गुरुजी। धन्यवाद।